हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सयाज जो चैंपियन के फाइनलिस्ट में आ चुके हैं और पार्टिसिपेंट भी हैं। तो आमिर भाई मैं पूछना चाहता हूँ, कल का मैच बड़ा सनसनीखेज रहा है और आप लोगों का लक बहुत अच्छा था कि आप लोग जीत गए, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैंस को बताएं कि आज जो फाइनल है वो उसके लिए आप कितनी मेहनत करके आए, क्या सोच रहे हैं आज हमारा लक होगा सामने वाले का। लक की बात करूँ तो लक उसी का होता है, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि लक हमेशा एक ही का साथ देता है, नहीं सर। दो सीज़न में हारा हूँ, रमज़ान लीग भी हारा हूँ रमज़ान, उसके बाद पहला सीज़न भी हारा हूँ, तो मेहनत करना नहीं छोड़ी। तो सबको ये बोलूँगा मेहनत करना ना छोड़े, अल्लाह पे यकीन रखे, मेहनत पे यकीन रखे, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी एक दिन ज़रूर आएगी आपके लिए। जैसे लास्ट सीज़न मैंने जीता और अभी फाइनल में पहुँचा, जी जी जी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और ये उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो मेहनत कर करके के बोलते हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा तो हम छोड़ देते, नहीं छोड़ना चाहिए, नेवर गिव अप, बिल्कुल अपना बेस्ट करते रहो, लास्ट तक बेस्ट करते रहो। और आमिर भाई हमारी दुआ आपके साथ है कि चैंपियंस ही जीते, क्योंकि चैंपियंस प्रीवियस टाइम भी फाइनल जीती है और अब भी मेरी दुआ है कि चैंपियंस ही जीते। अच्छा, लेकिन आपने पहले व्लॉग में शेख के साथ तो बोला है वो जीते। देखिए वो दरअसल बातचीत में तो मुँह से निकल जाता है, लेकिन मेरी दुआ है कि आप ही जीते, क्योंकि पिछली दफा भी आप मेहनत करके आए थे, आप फाइनल जीते थे, तो मेरी दुआ है कि आप इस बार भी फाइनल जीते। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स मेरे साथ मौजूद है माज भाई जो कल सेमीफाइनल के अंदर बाहर हो चुके हैं। तो माज भाई मैं पूछना चाहूँगा कि कल आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त खेल पेश कर रही थी, लेकिन एंड टाइम पे आपका लक बहुत बैठ रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? आपने इस तरह पूछा है कि आपका सेकंड था और आप हार गए, तो ये अफसोस हो गया। अच्छा सॉरी मार भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत मेहनत की थी, आप एंड टाइम तक समझ लें जीत ही गए थे, बस आपने वो 8 नंबर जिस तरह मैंने बॉक्स मंगाया था 3 नंबर, तो लोगों को लगा कि मुझे पता है। सही मतलब देखो, एक तरीके से लोगों की थिंकिंग भी चेंज करना होता है ना, जो शुरू से ये बोलते आ रहे थे कि यूट्यूबर जीत जाएंगे, सबको ये लग रहा था कि यूट्यूबर को एंड में जितवा देंगे। सही है या तो जितवा देंगे, जी जी, अब कंफर्म हो गया आप लोगों को कि यूट्यूबर को जितवाता कोई भी नहीं, सबका गेम है, जिसके साथ अल्लाह होगा वो जीतेगा। सही बिल्कुल। अच्छा मात भाई, वो जो 8 नंबर आपने मंगाया था, फिर आपने एक्सचेंज कराया, वो क्यों करवाया था? असल में वो हमने उनको दिया था। सही है, उनसे वापसी रखवा दिया था। अच्छा, सही को पता थोड़ी था कि उसमें ही होगा। सही है, अगर हमें पता होता हमने उनसे वापसी लिया तो अपने पास भी ले सकते थे। बिल्कुल पता ही नहीं था क्या सीन हो गया। ठीक है। तो बाकी हमने गेम्स अच्छे खेले, हमने प्रूव कर दिया, इस तरह का प्रूव कर दिया कि हमें कोई हरा नहीं सकता गेम्स के अंदर। बिल्कुल पहले तो अपने लक से जीत जाओ, वो अलग बात है, लेकिन हरा नहीं सकते। चले अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज फाइनल है चैंपियंस वर्सेस टिकटॉकर, तो आप क्या समझते हैं कि आज कौन जीतेगा? यार देखो, टिकटॉकर और चैंपियंस दोनों की टीम अच्छी है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ चैंपियन जीत जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब उनकी टीम ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा टफ गेम खेलते हैं, दोनों टक्कर की हैं। ठीक है, माइंड का गेम है सारा, अब जिसकी तुक्का बिल्कुल परफेक्ट होगा ना गेम चेंजर पे, वही जीतेगा। ठीक है, क्योंकि गेम चेंजर ऐसा हो गया कि अब जो दूसरा टीम भी मंगा सकती है दूसरी टीम। ठीक है पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मास महीने में बता दिया कि वो ये समझते हैं कि चैंपियंस जीतेगी, तो हम देखते हैं कि अब वेट कर रहे हैं कि बस कब फाइनल होता है, तो हम भी इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मास भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं उमेर भाई जो कि फाइनल में आ चुके हैं चैंपियंस की तरफ से। तो उमेर भाई मैं पूछना चाहूँगा कि आप फाइनल के अंदर आ गए हैं, तो क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से खेलेंगे? मैं फाइनल में आया हूँ, हारूँ जीतूँ गेम का हिस्सा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा, मैं ये सोच के हूँ। और कभी भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होना, कोई जान जो हार गए खत्म, इसके बाद नहीं। और कभी भी चैलेंज किसी को नहीं, तो मैं फिर बोलता हूँ कि चैलेंज देने वाला हमेशा फ्रेश हमेशा रिलैक्स हो गए, हारा जीता जो जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। मेरे सर फोन लगे थे, बहुत फोन लगे, नहीं होगा अपना ख्याल रखना। ये भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार करो, लाइक करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अभी ब्रेक हुआ है और 16 पॉइंट्स आप दोनों टीम्स के हो गए हैं, तो अब क्या लगता है कि आगे के मैचेस में क्या होने वाला है?
आगे के मैचेस का बिल्कुल बात नहीं कर सकते बिकॉज हमें खुद भी नहीं पता क्या होने वाला क्या है, बिकॉज बहुत टफ टक्कर चल रही है, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं जाने दिया जा रहा। अगर वो दो पॉइंट जीत रहे हैं तो हम भी दो पॉइंट जीत रहे हैं, अगर हम एक पॉइंट जीत रहे हैं तो फिर वो भी एक पॉइंट जीत रहे हैं, सही है। तो बहुत कांटे का टक्कर चल रही है, बाकी सारी चीज मेहनत तो हो रही है लेकिन अब डिपेंड करता है दुआओं पर और लक पे। देखो हमारी दुआएं आपके साथ है, आई होप कि आप भी लोग जीतें। थैंक यू।